हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मधुरा, सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद तो सब अच्छे हेल्थ में होंगे, अपने अपने परिवार का ख्याल रखते होंगे। तो आज हमने देखा फिर से राधिका के पापा आ गए हैं राधिका को लेने। समझा रहे उसे कि तुम्हारी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तुम दूसरी बीवी बन के रह जाओगी, तो चलो घर। जब तक ये कोई डिसीजन नहीं लेते, मतलब समर भाई और समर भाई की मम्मी को डिसीजन जब तक नहीं लेती गुनगुन को लेके, तब तक तुम हमारे साथ ही रहो। तो मैं ये बात में कुछ कहना चाहूँगी कि राधिका के पापा, आपने ये चीज़ कही बहुत ठीक है, मैं भी आपके संग सहमत हूँ, क्योंकि इनका कोई डिसाइड हो नहीं रहा गुनगुन को लेके। जब तक गुनगुन का कुछ फैसला नहीं हो जाता है, तब तक आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखो, तो इट्स बेटर। बट आपने और आपकी बेटी दोनों ने एक चीज़ कहा जो मुझे अटपटा लगा, कि अगर आप लोग को ये चीज़ पता होती कि गुनगुन शादी के बाद जाने वाली नहीं है, यहीं पे घर करके बैठ जाएगी, तो आप कभी उसकी शादी यहाँ नहीं देते। और राधिका ने भी ये कहा कि मुझे अगर पता होता ये होने वाला था तो मैं भी कभी शादी नहीं करती। तो राधिका, तुमको तो ये पता था कि समर को अभी तो डिवोर्स नहीं मिला है, समर ने साइन किया है, गुनगुन ने डिवोर्स पेपर साइन नहीं किया है, तो वो तो लीगली मैरिड वाइफ है समर की। तो समर उसको घर से निकाले या घर में रखे, बात तो एक ही है, क्योंकि वो तो उसकी फर्स्ट वाइफ ही है, डिवोर्स हुआ कहाँ है। और राधिका के पापा, आप लोग तो उसके पेरेंट्स हैं, आप लोग को तो अच्छी तरह से पता है, आपको तो पता ही था सब कि समर दूसरी शादी कर रहा है, पहली को डिवोर्स बिना दिए वो साइन कर देने से सिर्फ डिवोर्स नहीं हो जाता है, डिवोर्स होने के बहुत सारे नियम होते हैं। तो साइन वो कर दिया, बेशक साइन कर दिया था, पर गुनगुन ने तो साइन नहीं किया था ना, तो वो तो उसकी लीगली मैरिड वाइफ है। तो फिर राधिका की शादी करने का मतलब क्या बना? तो आप लोगों ने खुद अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद की है। यहाँ पे ना समर का दोष है और ना समर की मम्मी का। समर की मम्मी तो बोलेंगे ही, हाँ शादी करा दो, गुनगुन को हम लोग निकाल देंगे, गुनगुन को हम लोग नहीं रखेंगे, तो दूसरी बात में आना क्यों? आपकी बेटी है, आपकी बेटी की ज़िंदगी खराब हुई है, समर की बेटी या समर की बहन की ज़िंदगी खराब नहीं हुई है, या ही समर की मम्मी की किसी की ज़िंदगी खराब नहीं हुई है, या समर की मम्मी की ज़िंदगी खराब नहीं हुई है। तो आपको ये चिंता करना चाहिए था। अभी चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं है राधिका के पापा, अब ये सब बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब जो होना था सो हो गया, अब यही आपको एक हल निकालना पड़ेगा और उन लोग को आपको बोलना पड़ेगा कि कोई रास्ता निकाले। जो आपने कहा ये बात से मैं सहमत हूँ, अगर रास्ता नहीं निकालते तो आप राधिका को अपने घर में ही रखो, क्योंकि सौतन का टैग सच में बहुत ख़राब लगता है। पहली बीवी ही होती है, दूसरी बीवी का पहली बीवी होते हुए कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं। जब पहली बीवी चली जाएगी, डिवोर्स हो जाएगा, तो फिर पहली बीवी राधिका बन जाएगी। तब तक भी राधिका का कोई अस्तित्व उस घर में तो मुझे तो नज़र नहीं आता, रोज़ का रोज़ ये ड्रामा ही चलता रहेगा। तो बस मैं अब यही बोलना चाहती थी। जिसको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा।